बैटिंग मशीन जिसने अपनी टीम को जितवाया 2 वर्ल्ड कप, जो मौजूदा समय में है विश्व का सबसे खतरनाक बल्लेबाज, वनडे क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाला इंग्लिश बल्लेबाज, अपनी बल्लेबाजी से खेल का रुख मोड़ने वाला खिलाड़ी। दोस्तों, क्रिकेट में हर खिलाड़ी की अपनी खास भूमिका होती है। जो अपनी भूमिका को बखूबी निभाता है वही सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी होता है, और जो बड़े मैचों में प्रदर्शन करता है महान खिलाड़ियों की श्रेणी में उनकी गिनती होती है। विश्व क्रिकेट में ऐसे चुनिंदा खिलाड़ी ही हैं। ऐसे ही एक खिलाड़ी के बारे में आज के सेगमेंट में बात करेंगे। इस खिलाड़ी को बैटिंग मशीन कहा जाता है। आप देख रहे हैं चक दे क्रिकेट की खास श्रृंखला चक दे क्लिक्स, और आज के अंक में बात इंग्लैंड के धाकड़ खिलाड़ी जॉस बटलर के बारे में, जो इंग्लैंड के वाइट बॉल के कप्तान भी हैं, जिनकी कप्तानी में अभी हाल ही में इंग्लैंड ने T20 वर्ल्ड कप अपने नाम किया है। आज के वीडियो में हम आपको जॉस बटलर के जीवन से जुड़ी कुछ जाने अनजाने और अनसुनी बातों को बताएंगे, इसीलिए इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। जॉस बटलर का जन्म 8 सितंबर 1990 को इंग्लैंड के सोमरसेट में हुआ था। उनकी मां का नाम प्रिटोसिया बटलर और पिता का नाम जॉन बटलर है। बटलर ने अपनी पढ़ाई ह्यूज सेक्से चर्च ऑफ इंग्लैंड मिडिल स्कूल से शुरू की और किंग्स 11 कॉलेज से खत्म, लेकिन क्रिकेट में उनकी दिलचस्पी शुरुआत से ही रही और उन्होंने अपनी प्रतिभा बचपन से ही दिखानी शुरू कर दी थी। स्कूल की टीम से खेलते हुए उन्होंने खूब रन बनाए और अपने आसपास पॉपुलर होने लगे। सोमरसेट की अंडर 13, अंडर 15 और अंडर 17 टीमों से खेलते हुए उन्होंने कमाल का प्रदर्शन किया। जॉस बटलर को क्रिकेट खेलने की प्रेरणा महान जॉन्टी रोड्स और एडम गिलक्रिस्ट जैसे खिलाड़ियों से मिली। हालांकि अभी आप बटलर से उनके पसंदीदा क्रिकेटर के बारे में पूछेंगे तो वो एबी डिविलियर्स और महेंद्र सिंह धोनी का नाम ही लेंगे। जॉस बटलर ने अपनी अद्भुत प्रतिभा का प्रदर्शन कर ये सुनिश्चित कर दिया था कि अब क्रिकेट में ही अपना करियर बनाएंगे। मात्र 15 साल के जॉस बटलर ने चेडर की ओर से खेलते हुए सीनियर क्रिकेट क्लब में अपना कदम रख दिया। इस टूर्नामेंट में उन्होंने सोमरसेट की सेकेंड 11 की तरफ से खेलते हुए गजब का प्रदर्शन किया। नॉटिंघम शायर के खिलाफ दूसरी पारी में 71 रन बनाए और 6 कैच लिए। फिर 2006 में किंग्स कॉलेज की ओर से खेलते हुए लगभग 50 की औसत से सबसे अधिक 447 रन बनाए। इसके अगले साल ही वेस्ट इंग्लैंड प्रीमियर लीग में ग्लास्टनबरी की तरफ से खेलते हुए 119 और 110 रनों की पारी खेल डाली, और एक बार फिर वो किंग्स कॉलेज के हाईएस्ट रन स्कोरर रहे। लेकिन 2008 में नेशनल क्रिकेट टूर्नामेंट में 227 रनों की पारी खेलकर बटलर ने रिकॉर्ड बना दिया। टीम की कप्तानी करते हुए जॉस बटलर ने रिकॉर्ड 340 रनों की साझेदारी भी की। वैसे तो वो टीम में बतौर बल्लेबाज खेल रहे थे, लेकिन फाइनल मैच में उन्होंने विकेट कीपिंग ग्लव्स भी थामा और 6 कैच लपके। इसके अलावा टूर्नामेंट के एक मुकाबले में नंबर 4 पर बल्लेबाजी करते हुए जॉस बटलर ने 140 रनों की शानदार पारी खेली थी। पूरे टूर्नामेंट में उन्होंने 95 की औसत से 851 रन बनाए थे। बटलर ने दिखा दिया था कि वो लंबे रेस के घोड़े हैं, और 2008 में पहली बार इंग्लैंड की अंडर 17 टीम से उनको बुलावा आ गया। लगातार बेहतरीन प्रदर्शन के बदौलत उन्हें फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने का भी मौका मिला। 2009 में काउंटी चैंपियनशिप में जब जस्टिन लैंगर चोटिल हो गए, उनकी जगह बटलर को सोमरसेट टीम में शामिल किया गया। अपनी पहली फर्स्ट क्लास पारी में बटलर 30 रन बनाकर आउट हो गए। इसी दौरान इंग्लैंड की अंडर 18 टीम की तरफ से उनको 4 मुकाबले खेलने का अवसर मिला, जिसमें एक मुकाबले में उन्होंने 103 रनों की पारी खेली। इसके 2 महीने बाद ही अंडर 19 टीम में बटलर को एंट्री मिल गई। 2010 में अंडर 19 वर्ल्ड कप में जॉस ने बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज 6 मैच खेले। इस दौरान भारत के खिलाफ मैच में उन्होंने 78 रनों की पारी खेली थी। बटलर साल दर साल रन बनाते जा रहे थे, यही कारण था कि वो जिस भी टीम में जाते उसके अभिन्न अंग बन जाते। 2011 में बटलर ने अपनी दमदार बल्लेबाजी से सोमरसेट को T20 और 40 ओवर टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचाया। उस साल उनको मोस्ट प्रॉमिसिंग यंग प्लेयर के अवार्ड से भी नवाजा गया था। बटलर ने इंग्लैंड की सीनियर टीम से खेलने के लिए अपनी दावेदारी ठोक दी थी और 2011 में भारत के खिलाफ उनका चयन हो गया, लेकिन अपने पहले मैच में उनको बल्लेबाजी का मौका नहीं मिल पाया। इसके बाद वेस्टइंडीज दौरे के लिए बटलर को टीम में चुना गया, लेकिन साल 2012 में दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध एक T20 मुकाबले में अपनी जबरदस्त हिटिंग से सभी को प्रभावित किया। इस दौरान अफ्रीकी तेज गेंदबाज वेन पार्नेल के एक ओवर में बटलर ने 32 रन कूटे। यह उस वक्त T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में दूसरा सबसे महंगा ओवर साबित हुआ था। इसके बाद 2012 T20 विश्व कप के लिए उनका चयन इंग्लिश टीम में हो गया, लेकिन बटलर बुरी तरह फ्लॉप रहे। 5 मैचों में उनके बल्ले से सिर्फ 40 रन ही निकले थे। इसके बाद इंग्लैंड की वनडे टीम में उनको मौके मिलने शुरू हो गए, और साल 2013 में बटलर ने पाकिस्तान के खिलाफ अपना वनडे डेब्यू किया। भारत के खिलाफ जब जोनाथन ट्रॉट को आराम दिया गया था, तब बटलर को वनडे स्क्वाड में शामिल किया गया।
सीरीज के बीच में क्रेग किप्स्टर को चोट लग गई और उनके स्थान पर प्लेइंग 11 में शामिल बटलर ने एक प्रमुख विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर खुद को स्थापित कर लिया। न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलते हुए बटलर ने T20 इंटरनेशनल में पहला अर्धशतक बनाया। इसके बाद इंग्लैंड की T20 और वनडे टीम में उनका स्थान पक्का हो गया। 2013 चैंपियंस ट्रॉफी में उनका चयन हुआ, लेकिन एक और ICC इवेंट में वो फेल हो गए। ज़्यादातर मैचों में तो बल्लेबाजी करने का मौका उनको नहीं मिला, लेकिन 4 पारियों में केवल 15 रन ही बना पाए। इंटरनेशनल क्रिकेट में बटलर अभी भी लंबी पारी खेलने में सफल नहीं हो पा रहे थे, जिसकी उम्मीद उनसे लगाई जा रही थी। बटलर को सिर्फ T20 क्रिकेट में ही सफलता मिल रही थी। बटलर के हुनर से सभी अवगत थे, बस इंतजार था तो केवल एक बड़ी पारी का। यही कारण था कि इंग्लिश टीम ने लगातार 2 ICC इवेंट में फेल होने के बावजूद बटलर को एक और मौका दिया। मैनेजमेंट ने उनको बैक करते हुए 2014 T20 विश्व कप टीम में शामिल किया। उसी साल जॉस बटलर ने श्रीलंका के खिलाफ लॉर्ड्स में 61 गेंदों पर ताबड़तोड़ 121 रनों की पारी खेल डाली। यह उनके इंटरनेशनल क्रिकेट का पहला शतक था और जो उस वक्त किसी भी इंग्लिश मैन द्वारा बनाया गया सबसे तेज शतक। जॉस बटलर गिद्ध जैसी नजर और फुर्तीले कलाइयों का ऐसा समायोजन करते थे कि विरोधी कप्तान अपना सर ढूंढने लगते थे। यही खूबी बटलर को विश्व का सबसे खतरनाक बल्लेबाज बनाती है। श्रीलंका के खिलाफ वह सीरीज बटलर के लिए विवादों से भी भरा रहा था। श्रृंखला के 5वें मुकाबले में सचित्र सेनानायके ने बटलर को अजीबोगरीब ढंग से मैनकेडिंग आउट कर दिया। जुलाई में भारत के खिलाफ जॉस बटलर ने अपना टेस्ट डेब्यू भी कर लिया। दरअसल तब विकेटकीपिंग की पहली पसंद मैट प्रायर चोटिल हो गए थे। भारत के खिलाफ अपने टेस्ट डेब्यू की पहली पारी में जॉस बटलर ने 83 गेंदों में 85 रन बनाए। इसके बाद 2015 वर्ल्ड कप में बटलर का चयन हुआ, लेकिन जॉस बटलर फेल हो रहे थे। उस दौरान बटलर ने श्रीलंका के खिलाफ 19 गेंदों में 39 और बांग्लादेश के खिलाफ 65 रन बनाए, लेकिन इंग्लैंड ये दोनों मैच हार गई। लचर प्रदर्शन के चलते इंग्लैंड विश्व कप से भी बाहर हो गई। इसके बाद बटलर ने एशेज सीरीज खेली, लेकिन यहाँ भी एक बड़ी पारी नहीं खेल पाए। इसके बाद बटलर की काफ़ी आलोचना हुई थी, लेकिन बटलर व्हाइट बॉल क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन कर रहे थे। उसी वर्ष उन्होंने 77 गेंदों में 129 रन बनाकर अपना सर्वाधिक स्कोर बनाया था और इसके बाद पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने मात्र 46 गेंदों में शतक लगाकर अपना ही पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। 2016 T20 विश्व कप में बटलर ने बेजोड़ प्रदर्शन किया और इंग्लैंड की टीम फाइनल में पहुंची। इस साल इंग्लैंड ने वनडे क्रिकेट में अपना सर्वोच्च स्कोर बनाया। पाकिस्तान के खिलाफ इंग्लैंड ने 3 विकेट पर 444 रन बनाए, जिसमें बटलर ने नाबाद 90 रन बनाए थे। सीमित ओवरों में बटलर लगातार इंग्लैंड के लिए रन बना रहे थे। यही कारण था कि सीमित ओवरों में वो इंग्लैंड के अभिन्न अंग बन चुके थे, लेकिन टेस्ट टीम से वो अभी भी अंदर बाहर हो रहे थे। 2016 वो साल था जब बटलर ने इंग्लैंड के लिए एक नई भूमिका निभाई। दरअसल उस साल श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज से पहले सलामी बल्लेबाज एलेक्स हिल्स चोटिल हो गए। ऐसे में बटलर को ओपनिंग की जिम्मेदारी मिली। बटलर ने बतौर ओपनर अपने पहले ही मैच में शानदार अर्धशतक जड़ दिया। इससे यह साबित हो गया कि इंग्लैंड की टीम बटलर के टैलेंट का सही उपयोग नहीं कर रही थी। लेकिन इंग्लैंड ने अपनी भूल को सुधारने में जरा भी देरी नहीं की और अब उनको T20I में बतौर सलामी बल्लेबाज खिलाया जाने लगा। जल्द ही इंग्लैंड को इसका भरपूर फायदा भी मिलने लगा। ओपनर जॉस बटलर न केवल टीम को आतिशी शुरुआत दिलाते थे, बल्कि उन्हें क्रीज पर अधिक समय भी मिलता था। बटलर ने इसके बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इसी वर्ष कप्तान ओवेन मॉर्गन समेत कई खिलाड़ियों ने सुरक्षा कारणों के चलते बांग्लादेश दौरे से अपना नाम वापस ले लिया। तब बटलर को इंग्लिश टीम की कमान सौंपी गई थी। उस श्रृंखला में बांग्लादेशी खिलाड़ियों के साथ बटलर की तूतू मेमे भी हुई थी, जिसे रोकने के लिए अंपायर को बीच बचाव करना पड़ा था। इस विवाद के बाद बटलर को एक डिमेरिट अंक भी मिला था। इसके बाद भारत के खिलाफ टेस्ट श्रृंखला में जॉस ने टेस्ट वापसी की। इस बार बटलर तैयारी के साथ उतरे थे। मुंबई टेस्ट में 76 रन बनाकर उन्होंने इंग्लिश टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया था। हालांकि वह श्रृंखला इंग्लैंड 4-0 से हार गई थी और बटलर का चयन फिर 2017-18 एसेस के लिए नहीं हुआ था। लेकिन 2017 चैंपियंस ट्रॉफी में बटलर इंग्लिश टीम का हिस्सा रहे थे और कुछ अच्छी पारियां भी खेली थी। साल 2018 में बटलर को दोबारा मौका मिलने शुरू हो गए। अब बटलर इन मौकों को गंवाने के मूड में नहीं थे। हेडिंगले टेस्ट में बटलर ने 80 रनों की मैच जिताऊ पारी खेली थी। इस पारी के लिए उनको मैन ऑफ द मैच भी चुना गया था। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में बटलर ने कमाल का प्रदर्शन किया, जिससे इंग्लैंड ने 5-0 से ऑस्ट्रेलिया का सूपड़ा साफ कर दिया। 5 अर्धशतकों के अलावा 5वें मैच में 110 रनों की पारी खेलकर उन्होंने हारी हुई बाजी पलट दी थी। बटलर को उस पारी के लिए न सिर्फ मैन ऑफ द मैच चुना गया, बल्कि विश्व क्रिकेट ने उनको बेस्ट व्हाइट बॉल विकेटकीपर बल्लेबाज की उपाधि दे डाली। इसके बाद क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में इंग्लैंड का उपकप्तान उनको बनाया गया। दमदार बल्लेबाजी करने वाले बटलर का स्थान अब टेस्ट टीम में भी पक्का हो गया था।
तब आया साल 2019, जिसमें जॉस बटलर ने कई कीर्तिमान बनाए। वेस्टइंडीज के खिलाफ एक वनडे मैच में बटलर ने मात्र 77 गेंदों पर 150 रनों की पारी खेल डाली। इस दौरान 50 से 100 के आंकड़े तक पहुंचने में उन्हें मात्र 15 गेंद और 150 तक पहुंचने में उन्हें महज 16 गेंद लगे। यानी देखा जाए तो बटलर ने मात्र 31 गेंदों में 100 रन बनाए। इस पारी में बटलर ने 12 गगनचुंबी छक्के लगाए, उस वक्त किसी भी इंग्लिश खिलाड़ी द्वारा सर्वाधिक था। इसके बाद पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज के दूसरे वनडे मैच में बटलर ने मात्र 50 गेंदों में 110 रन बना दिए। 2019 वर्ल्ड कप में बटलर ने कई बेहतरीन पारियां खेली और इंग्लैंड को चैंपियन बनाया। वो फाइनल मैच क्या कोई भूल सकता है क्या, जिसमें बटलर ने बेन स्टोक्स के साथ मिलकर बहुमूल्य साझेदारी की थी और सुपर ओवर में मार्टिन गप्टिल को रन आउट कर इंग्लैंड की जीत सुनिश्चित की थी। 2020 में जब कोरोना महामारी के बीच क्रिकेट दोबारा से शुरू हुआ तो बटलर ने शानदार वापसी करते हुए अपना दूसरा टेस्ट शतक बनाया। 2021 T20 विश्व कप में उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ नाबाद 101 रनों की पारी खेलकर इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में शतक लगाने वाले इंग्लैंड के पहले खिलाड़ी बने। हालांकि बटलर के शानदार प्रदर्शन के बावजूद टीम चैंपियन नहीं बन पाई थी। सेमीफाइनल में उन्हें न्यूजीलैंड के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। फिर आया साल 2022, जो बटलर के लिए ड्रीम ईयर साबित हुआ। 2022 IPL में वो अपने करियर के सर्वश्रेष्ठ फॉर्म में रहे, जहां उन्होंने टूर्नामेंट में सबसे अधिक रन बनाकर ऑरेंज कैप जीता था। भले ही राजस्थान की टीम फाइनल में हार गई थी, लेकिन बटलर ने अपनी बल्लेबाजी से सबको अपना मुरीद बना दिया। उन्होंने 17 मैचों में 57.53 की औसत और 150 की स्ट्राइक रेट से 863 रन बनाए थे। इस दौरान उनके बल्ले से 3 शतक भी निकले थे। IPL के बाद बटलर जब स्वदेश पहुंचे तो एक और चुनौती उनका इंतजार कर रही थी। वॉयन मॉर्गन ने क्रिकेट से संन्यास लेने का फैसला कर लिया था। इसका मतलब ये हुआ कि अब इंग्लैंड की कप्तानी करने को लेकर सवाल खड़ा हो गया कि आखिर मॉर्गन के जाने के बाद कौन वाइट बॉल क्रिकेट में इंग्लैंड की कप्तानी करेगा। इंग्लैंड ने बटलर को चुना। बटलर ने अपनी कप्तानी का भी लोहा मनवाया। ऑस्ट्रेलिया में खेले गए 2022 T20 वर्ल्ड कप में जॉस बटलर ने इंग्लैंड की कप्तानी करते हुए शानदार प्रदर्शन किया। बल्लेबाजी के अलावा उन्होंने जबरदस्त नेतृत्व क्षमता का भी परिचय दिया। बटलर की अगुवाई वाली इंग्लिश टीम ने फाइनल में पाकिस्तान को हराकर T20 वर्ल्ड कप पर कब्जा किया। एक समय जब पाकिस्तान के गेंदबाज आग उगल रहे थे और कोई भी बल्लेबाज उनके सामने ठहर नहीं पा रहे थे, ऐसे में कप्तान बटलर ने 17 गेंदों पर 26 रनों की तेज तर्रार पारी खेली और दूसरे बल्लेबाजों के लिए प्रेरणा बने। इससे पहले भारत के खिलाफ सेमीफाइनल मुकाबले में भी बटलर ने नाबाद 80 रनों की पारी खेली थी और मैच जिताया था। न्यूजीलैंड के खिलाफ करो या मरो मुकाबले में बटलर ने 73 रन बनाए थे, जिससे इंग्लैंड ने वो मैच जीता और सेमीफाइनल में जगह बनाई। यह पहली बार है जब कोई टीम एक ही समय में 50 ओवर और 20 ओवर दोनों में चैंपियन बना है। इसमें कोई संदेह नहीं कि बटलर मौजूदा समय में सर्वश्रेष्ठ वाइट बॉल बल्लेबाज हैं, लेकिन T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद क्रिकेट एक्सपर्ट उनमें एक महान कप्तान की भी झलक देख रहे हैं। जॉस बटलर के निजी जीवन की बात करें तो उन्होंने 21 अक्टूबर 2017 को लाउइस बटलर से शादी की थी। दोनों की दो बेटियां हैं। बड़ी बेटी का नाम जॉर्जिया रोज है और छोटी का नाम मार्गेट। बटलर इस वक्त इंग्लैंड के सबसे बहुमूल्य खिलाड़ी हैं और विश्व क्रिकेट के सबसे खतरनाक बल्लेबाज। चकदे क्रिकेट की पूरी टीम जॉस बटलर के उज्ज्वल भविष्य की कामना करती है। आपको जॉस बटलर कैसे खिलाड़ी लगते हैं कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। क्रिकेट से जुड़ी खबरों, अनसुनी कहानियों और रिकॉर्ड्स के लिए देखते रहिए चकदे क्रिकेट। अगले अंक में एक और खिलाड़ी, एक और स्टोरी। अभी दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।